लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। वरिष्ठ समाज सेवी बाला साहब मिर्जे को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने मुंबई का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। अपनी नियुक्ति के लिए परिषद के संस्थापक प्रवीण भाई तोगड़िया के प्रति आभार जताते हुए बाला साहब मिर्जे ने कहा कि मुंबई में धार्मिक स्थलों को अतिक्रमण कार्रवाई से बचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने मुंबई में संगठन विस्तार और धार्मिक सद्भावना को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ समाज सेवी बाला साहब मिर्जे को मुंबई का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। आज एक प्रेस मीट में अपनी नियुक्ति की जानकारी साझा करते हुए बाला साहब मिर्जे ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संचालक प्रवीण भाई तोगड़िया और कोकण विभागीय प्रमुख उद्धव खराडे के प्रति आभार जताया। बाला साहब मिर्जे ने कहा कि मुंबई में धार्मिक स्थलों को तोड़ू कार्रवाई से बचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसके आगे मुंबई के धार्मिक स्थलों पर मनमानी कार्रवाई हुई तो बजरंग दल के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद तीव्र आंदोलन करेगा। बजरंग दल के माध्यम से हमने मुंबई में जो फेरे वाले लोग हैं तो इनको निश्चित रूप से लाइसेंस देना चाहिए, उन्होंने कहा बैठना चाहिए, एक कन्फर्म करना चाहिए, उसको फेरे वाले धोरण बोलते हैं, ये धोरण उन्होंने कंफर्म करना चाहिए आयुक्तने, ऐसा उन्होंने उनके पास हमने मांग किया है। नव नियुक्त जिलाध्यक्ष बाला साहब मिर्जे ने यह भी खुलासा किया कि मुंबई का प्रशासन पुलिस को साथ लेकर अक्सर रात के अंधेरे में धार्मिक स्थलों को तोड़ने का काम करता है क्योंकि वहां से पैसे नहीं मिलते। वहीं हजारों अवैध निर्माण की शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। बाला साहब मिर्जे की माने तो अधिकारी कोर्ट आदेश का हवाला देते हैं, लेकिन उसी कोर्ट ने 2009 से पहले के धार्मिक स्थलों को रेगुलर करने का आदेश दिया है तो फिर उसे क्यों नहीं करते। मिर्जे ने चेतावनी दी कि यदि इसके आगे मुंबई के एक भी धार्मिक स्थल के खिलाफ तोड़ू कार्रवाई हुई तो वे प्रशासन को नहीं छोड़ेंगे और जो अधिकारी मनमानी करेंगे उनके मुँह पर भी कालिख पोतेंगे। भी धार्मिक स्थल है मुंबई में तो वो धार्मिक स्थल आयुक्त ने एकदम उनको क्लियर कट करना चाहिए, लोगों से जो जमीन का पैसा लेना चाहिए और वो तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे हमारे उनके पास मांग है। अगर उन्होंने इसके आगे कोई भी मंदिर तोड़ा तो हम पालिका के खिलाफ या जो भी प्राधिकरण होगा उसके खिलाफ माननीय प्रवीण भाई तोकड़िया जी इनके आदेश से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से नवम्बर में बड़ा से बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।